कार्तिक, जानते हो आज मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। एक बात कहूँ, तुम्हारा नेक्स्ट बर्थडे तुम्हारी वाइफ बनकर सेलिब्रेट करना चाहूंगी, ऐसा होगा ना? मुझ पे यकीन है ना, ऐसा ही होगा। अपने घर वालों से बात करके उनसे मिलवाने ले जाऊंगा तुम्हें। तुम भी घर में बात कर लो। एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ कार्तिक। 3 साल की थी, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं अनाथालय में ही पली बड़ी, वही पढ़ाई की, पूरी लाइफ अकेले रही। इस शहर में एक करोड़ आबादी है, लेकिन जब आंखें बंद करती हूँ ना, खुद को तना पाती हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, एक पापा से ज्यादा, माँ से ज्यादा, उनसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। आज से हम दोनों मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक हैं। अब तो खुश? I love you. क्या बात है भाई कार्तिक? हाँ? आज तेरी पिक्चर साइलेंट क्यों है? गणेश भैया, हाँ? लाइफ में और सिंसियर होना पड़ेगा। अच्छा, खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, और बोल, अच्छा डायलॉग है। कल शाम को ना मैं कार्तिक के पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ। कार्तिक ने कहा है कि उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है, वो बहुत टेंशन है। उस बेचारी के माँ बाप नहीं है, मुझ पे भरोसा करती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूं। शादी के बाद ये कंफर्म है कि कार्तिक मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं देगा। हो सकता है कि वो मेरे लिए एक चार्टर्ड प्लेन खरीद ले, तो मैं सोच रही हूँ कि जॉब से रिजाइन कर दूं। सुन, एक आइडिया है, मुझसे लोन लेकर अपना खुद का एक जिम खोल लो, खूब पैसे कमाना, मेहनत करके मजे की जिंदगी जीना। लाइफ में जब भी सेटल हो जाओ, धीरे धीरे मेरा लोन भी सेटल कर देना। थैंक यू। यस मैन। आयशु कहाँ हो? अपना रेजिग्नेशन देने के लिए ऑफिस जा रही हूँ। इतनी जल्दी मत करो, पहले डे टू डे मैगजीन खरीद के पेज नंबर 64 पढ़ लेना। बाद में पढ़ लूंगी। बाद में कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ड्राइवर जरा यहाँ रुकना। जिम ट्रेनर के साथ सुपरस्टार का हॉट अफेयर। बॉडी बन रही है ना? एट। हाँ। कंटिन्यू। कैसी हो मेरी जान? कार्तिक, इस वक्त तुम कहाँ हो? जिम में। और कहाँ? और जिम कहाँ है? पार्क है आपने? वही रहो, मैं आ रही हूँ। इतनी टेंशन में क्यों? सुबह से मूड खराब है क्या? अरे टेंट पैक हो गए। चलो। हो गया ना? नहीं नहीं, पोस्चर करेक्ट रखो, हैंड्स चेस्ट के पास रहने चाहिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड, वेरी गुड। हे आयशु, 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 रुको तो सही, क्या बात है, कुछ बोलो तो। ये क्या है? चलो अंदर चल के बात करते हैं। जो कुछ भी कहना यहीं पर कहो। आयशु, प्यार में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। शक से रिश्ते टूट जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैगजीन में ऐसी गॉसिप तो छपती रहती हैं। आज एक हीरोइन के साथ नाम जोड़ा है, कल किसी और के साथ नाम जोड़ देंगे, तो क्या वो सच हो जाएगा? आयशु, इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मैगजीन में क्या लिखा है? डोंट केयर। क्या तुम जिम ट्रेनर हो? हाँ बिल्कुल, ट्रेनर हूँ। क्यों? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? How do you expect me to react, Karthik? ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे फंसाने के लिए। You bloody cheat! मैंने चीट किया? तू रहो मुझसे और एक्टिंग करना बंद करो। आयशु, क्या कह रही हो? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? वो सब कुछ झूठ था, वो बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारा प्यार, सब कुछ भ्रम था। प्रोफेशन से तुम एक मामूली से जिम ट्रेनर हो, लेकिन शो ऑफ तो ऐसे किया मानो कि जैसे करोड़पति हो। मैंने ये सब कब किया? बस बस, तुम्हारी ये असलियत अब मेरे सामने आ गई है। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, मर्सिडीज में घूमना, बंगलो दिखाना, सब एक चाल थी। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने अमीर होने का एक ढोंग रचाया। यू ब्लडी फ्रॉड। आयशु, मैंने तुमसे कौन सा फ्रॉड किया?
मैं फर्स्ट क्लास में इसलिए गया क्योंकि मुझे आर्या सर को ट्रेन करना था। टिकट के सारे पैसे वही भरते हैं, और वो मर्सिडीज कार वो तो मेरे फ्रेंड गणेश की है, और वो जो बंगलो है वो मेरे क्लाइंट का है। मतलब उनमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है कार्तिक? नहीं तो तुम्हें अचानक हुआ क्या? आज एक बात समझ लो, सारा रिश्ता खत्म। आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना, शक्ल मत दिखाना, SMS मत करना, फोन मत करना। ये बात तुम अच्छी तरह जान लो, तुम मेरी लाइफ का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये सब क्यों कर रहे हो? कार्तिक है, ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। असली लॉस तो उसका खुद का हुआ है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को खो दिया, पछताएगी। मार्क माय वर्ड्स, एक ना एक दिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगी वो। शुभ शुभ नहीं बोल सकते? हाँ? भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। पता है मेरा एक ही सपना है, एक छोटा सा परिवार हो, 10-12 बच्चे हो, और वो सुबह शाम मुझे पापा पापा बुलाए। एक पल में मेरे सारे सपने टूट गए। है, कुछ नहीं टूटा। रोना मत, तुझ पे सूट नहीं करता। रोने तो और क्या करूं? जिम ट्रेनर होना गुनाह है क्या? कहती है कि मैं एक जिम ट्रेनर हूं। हाँ, यानी वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है। उसकी माँ को प्रणाम। बहुत भोले हो तुम, उसकी बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। छोड़ दे, बेकार लड़की है वो। ये क्या किया? अरे उसका कार पे उतार दिया। मेरी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? आशिक को बड़ी गहरी चोट लगी है। अरे पूरी बोतल पी जाएगा, मेरे लिए भी कुछ छोड़। नीट पिएगा तो लीवर सड़ेगा। मैं पानी मिला के पीऊंगा। आज आपको हो क्या गया है? अरे मुझे ही सब कुछ हुआ है मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अरे आखिरी बोतल बची है, मुझे चढ़ी भी नहीं है। छोड़, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। यहाँ मेरा कोई नहीं है, ना ऐशु ना तू। तेरी किस्मत पे थू। ऐसा भी तो हो सकता है उस बेचारी की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन खड़ी हो गई हो, हमें क्या पता। क्या सिचुएशन? वो एक फ्रॉड लड़की है। मैंने पहले यही तो कहा था। अरे अरे इम्पोर्टेड है, थोड़ी तो छोड़ दे। पीने दो मुझे, पता उसे कहाँ बैठा है? यहाँ मेरे दिल में है। लेकिन उसने क्या किया? मेरे को लात मारी। अरे कार भी इम्पोर्टेड है। अरे दिल इसका टूटा है, एक एक करके मेरी चीजें तोड़ रहा है। सुन, जैसे को तैसा, तू भी उसके प्यार को ठोकर मार दे। ठोकर मार दो? अरे गिर रही है, वेस्ट हो रही है, संभाल। नॉनसेंस, उसकी लात भी प्रसाद है क्योंकि वो देवी है। देवी माता है। तुम देवदास हो? देवी। मैं देवदास हो? देवी। हाँ। बताता हूँ। नामुन्ना गाड़ी पे नहीं। मैं कुछ भी बोलू, मुझे हक है, लेकिन आपको नहीं है, कुछ मत बोलिए। अरे यार, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? इसके साथ कैसे पेश आ रहा है? गाड़ी के क्यों बजा रहा है? जो सुन लो मेरी लव स्टोरी। शोले घुस गया। जिंदगी में
कभी किसी से प्यार मत करना, क्योंकि जिसने भी प्यार किया वही बर्बाद हुआ मेरी तरह। रॉन्ग नंबर? ओ नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो रही मुझे ठोकर मार दिए, छोड़ूंगा नहीं। तुम यहाँ बैठ जा आराम से मेरे भाई, क्या लग रहा हूँ? मुझे धोखा देके चैन से सो रही है? तू इस वक्त नशे में है, तुम जा यहाँ से। सीधी तरह नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जिसको बुलाना है बुलाओ, बट आई लव यू। तुमने यहाँ रहती हो यहाँ? कार्तिक देखो ड्रामा मत करो, ओके? ये ड्रामा नहीं है, ये मेरा ट्रू वाला लव है। तुमने सिर्फ मेरी हो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें समझाया था, समझ में नहीं आया? तुमने मुझे ठोकर क्यों मारी? तुम नहीं मिली तो इस दुनिया को जला के खाक कर दूंगा। तुमको जो करना है करो, पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, माफ करो। माफी क्या मांग रही हो? कार्तिक भैया अभी बहुत रात हो गई है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। जो भी बात करनी है वो कल कर लेंगे ना। प्लीज 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 नो। यू टू टीना, यू टू। मैंने ऐसा क्या कह दिया यार कि इतना इमोशनल हो गया? शायद इसे नींद आ रही है। हाँ देखो देखो सो गया।